6 फरवरी 2023 सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर बर्फबारी हो रही थी और लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक 7.8 मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी का एक मैसिव और डेडलीस्ट अर्थक्यूक तुर्की और तुर्की से सटे सीरिया में आता है। सिर्फ 80 सेकंड तक चला यह अर्थक्यूक इतना खतरनाक था कि इससे लाखों की तादाद में बिल्डिंग्स ढह गई, जिसके मलबे के नीचे हजारों की तादाद में लोग दब गए। इस मैसिव अर्थक्यूक के बाद बहुत सारे आफ्टरशॉक्स तुर्की और तुर्की से सटे सीरिया में महसूस किए गए। ठीक 9 घंटे के बाद तुर्की में 7.7 मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी का एक मैसिव आफ्टरशॉक आया और तब से लेके अब तक तुर्की में 2100 से भी ज़्यादा आफ्टरशॉक महसूस किए जा चुके हैं, जिनमें से 250 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी इंटेंसिटी 4 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा है। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि तुर्की में इस तरह के आफ्टरशॉक 1 साल या इससे भी लंबे समय तक आते रहेंगे। अगर बात करें इस अर्थक्यूक से मरने वाले लोगों की, तो इससे अब तक 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी लाखों लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। तुर्की का हाते प्रोविंस अब तक का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया रहा है, जहाँ पर अकेले 21,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। और अगर बात करें हम अपने भारत की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने महज 48 आवर्स के अंदर ही मिशन दोस्त को लॉन्च किया, जिसके दौरान तुर्की में इंडियन आर्मी डॉक्टर्स और NDRF की टीम को रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशंस के लिए भेजा गया और इसके साथ ही जरूरी सामान और फूड की सप्लाई भी की गई। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सब कुदरत का खेल है या फिर हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर ये बात सच है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, तो दोस्तों दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर रोजाना अर्थक्यूक आए रहते हैं, जहां के लोगों के लिए दिन में 3 या 4 अर्थक्यूक आना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जहां पर जो होने वाली कैजुअलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है। आखिर इस देश के लोग अर्थक्यूक से क्यों नहीं डरते और क्यों जहाँ पर इतनी कम तबाही होती है, और फिर क्यों आज दुनिया के बड़े बड़े देश इस छोटे से देश से अर्थक्यूक से निपटने के तरीकों को सीख रहे हैं? इन सब के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। Border of Turkey and Syria has been struck by another earthquake just 2 weeks after the region was devastated by a larger quake that has killed more than 47,000 people and destroyed hundreds of thousands of homes. लगभग 2000 किलोमीटर तक धरती हिल गई, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सीरिया हो या लेबनन हो, इजिप्ट हो, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड तक में इसके झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। It was followed by 3 aftershocks, the strongest of which was a 5.8 near the town of Samandag. Here's more from Azadeh Mashiri. दोस्तों मैं किसी और नहीं बल्कि बात कर रहा हूँ जापान की। चारों तरफ से समुंदर से गिरे इस छोटे से आइलैंड नेशन की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही मुश्किलों से भरी है। जापान दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने एक नहीं बल्कि 2-2 एटॉमिक बॉम्ब के खतरों को झेला है और इससे भी उबर कर दिखाया है। दोस्तों जापान एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जिसे रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं, जहां पर आए दिन वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं, जिसकी वजह से छोटे बड़े अर्थक्यूक आए रहते हैं। चारों तरफ से समुंदर से गिरे होने के कारण जापान में अर्थक्यूक के साथ साथ सुनामी का खतरा भी बना रहता है। साल 2011 में जापान में एक मैसिव और डिजास्टर्स अर्थक्यूक देखा गया। 9.1 मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी का ये अर्थक्यूक जापान की हिस्ट्री में आया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्यूक था। और इस अर्थक्यूक के बाद जापान में एक भारी सुनामी भी देखी गई, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस अर्थक्यूक से जापान को $360 बिलियन का नुकसान हुआ और ये अर्थक्यूक अब तक की हिस्ट्री में आया सबसे कॉस्टलियस और एक्सपेंसिव अर्थक्यूक था। लेकिन इस सब के बावजूद जापान ने कभी हार नहीं मानी और इससे भी उबर कर दिखाया। आज दोस्तों जापान सिर्फ US और चाइना के बाद 3rd largest ग्रोइंग इकॉनमी है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर से खड़े होना और सब कुछ दोबारा से पाना जापान के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन जापान एक बात समझ गया था कि अर्थक्यूक जैसे मेगा डिजास्टर कभी बताकर नहीं आते हैं, और इसीलिए जापान ने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखा, प्री प्लानिंग, प्रिपेयरनेस और एक्शन। और इन्हीं 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
जापान ने अपनी कंट्री में दो बड़े काम किए। सबसे पहला अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स और दूसरा अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम। साल 2022 में जापान में 1000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक आए, जिनमें 500 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक ऐसे थे जिनकी इंटेंसिटी 5 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा थी। लेकिन साल 2022 में जो जापान में कैजुअलिटीज हुई हैं उसका नंबर सिर्फ 4 ही है। और हाल ही में तुर्की में आए अर्थक्वेक में हमने देखा है कि जो ज़्यादातर कैजुअलिटीज और लोगों की मौत होती है वो बिल्डिंग के नीचे दबने के कारण होती है। जापान में बनने वाली बिल्डिंग्स और हाउसेस हैं वो पूरी दुनिया में सेफ और अर्थक्वेक प्रूफ हैं। जापान में बनने वाली बिल्डिंग्स और हाउसेस को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ताइशिन, साइशिन एंड मैनशिन। सबसे पहली जो ताइशिन कैटेगरी है, ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जापान में किसी भी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। अगर आप जापान में कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको इस कैटेगरी को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ताइशिन कैटेगरी के अनुसार किसी भी बिल्डिंग के लिए बीम, पिलर और मिनिमम थिकनेस की वॉल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइशिन कैटेगरी एक नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी है, जिसमें जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो ज़्यादातर हाई राइज बिल्डिंग होती हैं। इस कैटेगरी के अनुसार जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके बेस के नीचे हाई डैम्पर और रबर की लेयर्स होती हैं, जो ज़्यादातर अर्थक्वेक की शेकिंग और सीज़मिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थक्वेक के वक्त बिल्डिंग को बचाने में कामयाब होती हैं। मैनशिन कैटेगरी एक मोस्ट एडवांस लेवल की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनके बेस कम्प्लीटली ग्राउंड से आइसोलेटेड होते हैं। इन बिल्डिंग्स के बेस में लेड, रबर और स्टील की लेयर्स को डाला जाता है, जो ज़्यादातर शेकिंग और सीज़मिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम जो जापान की गवर्नमेंट ने किया है वो है इस नेचुरल डिज़ास्टर के ऊपर पब्लिक में अवेयरनेस को फैलाना। जापान के स्कूल्स में बच्चों को छोटी उम्र से ही अर्थक्वेक के खतरों के बारे में समझाया जाता है। स्कूल्स में बकायदा ड्रिल्स को करवाया जाता है ताकि जब भी अर्थक्वेक आए तो बिना पैनिक किए किस तरह अपने आप को बचाया जा सके। जापान की ट्रेन्स टेक्नोलॉजी और स्पीड के लिए वर्ल्ड फेमस हैं और जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो इन ट्रेन्स में स्पेशल सीज़मोमीटर लगे हुए होते हैं जो सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। उस सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेन को स्टॉप कर देता है और ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और जब तक अर्थक्वेक की शेकिंग बंद नहीं होती तब तक ट्रेन अपनी जगह पर ही स्टिल रहती है और जैसे ही अर्थक्वेक बंद हो जाता है तो ट्रेन फिर से चलने लगती है। अगर बात करें जापान के वार्निंग सिस्टम की तो साल 2011 के अर्थक्वेक के बाद जापान की गवर्नमेंट ने 2 अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया, एक जनरल पब्लिक के लिए और दूसरा हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए। जब भी कोई अर्थक्वेक 3 या इससे ज़्यादा के मैग्नीट्यूड का होता है तो मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज को वार्निंग इशू कर दी जाती है और अगर ये अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा होता है तो जनरल पब्लिक को वार्निंग इशू कर दी जाती है। सभी नेशनल चैनल्स और टेलीविजन्स पे इसकी कवरेज शुरू हो जाती है ताकि जो लोग हैं वो अफेक्टेड एरिया से बचकर सेफ प्लेसेस पर चले जाएं। आज के इस दौर में नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए पूरी दुनिया को जापान से सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है तो ये उस देश के लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स कहाँ, कब और किसी भी वक्त आ जाएं कोई पता नहीं है। और इसीलिए जापान के जो 3 मेथड हैं, प्री प्लानिंग, प्रेपरेशन और एक्शन, इन तीनों को आज पूरी दुनिया को अपनाने की ज़रूरत है। अगर बात करें हम अपने भारत की तो भारत में भी समय समय पर अर्थक्वेक आते रहते हैं और भारत की जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और कभी ना कभी जिसका असर हमें अर्थक्वेक के रूप में दिखता रहता है। और भारत को भी इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स और लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत होगी ताकि फ्यूचर में अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसका जो डैमेज है उसको कम से कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ्स को बचाया जा सके।
खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।